और उत्तर प्रदेश में लव जिहाद रोकने के लिए बनाए गए नए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में अध्यादेशों को अवैध और असंवैधानिक करार देने की मांग की। ये याचिका लॉ स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि अध्यादेश संविधान के तहत मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। अध्यादेश का दुरुपयोग किसी को भी गलत तरीके से फंसाने के लिए किया जाएगा और अराजकता पैदा करेगा। यह कानून मनमाना है और बोलने और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। अध्यादेश संविधान के तहत मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। अध्यादेश का दुरुपयोग किसी को भी गलत तरीके से फंसाने के लिए किया जाएगा। तो लॉ स्टूडेंट्स ने ये चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, इस कानून को, इस अध्यादेश को, जो कि अब उत्तर प्रदेश में कानून है फिलहाल। लव जिहाद के खिलाफ जो उत्तर प्रदेश ने अध्यादेश लागू हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसको चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट ने। यह याचिका लॉ स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि अध्यादेश संविधान के तहत मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। अध्यादेश का दुरुपयोग किसी को भी गलत तरीके से फंसाने के लिए किया जाएगा और अराजकता पैदा करेगा। यह कानून मनमाना है और बोलने और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। अध्यादेश संविधान के तहत मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। अध्यादेश का दुरुपयोग किसी को भी गलत तरीके से फंसाने के लिए किया जाएगा। तो लॉ स्टूडेंट्स ने यह चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, इस कानून को, इस अध्यादेश को, जो कि अब उत्तर प्रदेश में कानून है फिलहाल। लव जिहाद के खिलाफ जो उत्तर प्रदेश ने अध्यादेश लागू हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसको चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में।